हेलो फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1.5 अपने वाला चालू है। इसके प्रीवियस वीडियो में अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन आया, तो फ्रैक्शन यानी क्या होता है? सबसे पहले फ्रैक्शन समझ में आना चाहिए अपने को। तो फ्रैक्शन यानी क्या होता है? दिस इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी क्या होता है? जो नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर रहता है, जिस नंबर में अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एग्जांपल, 5/7 दिस इज द रैशनल नंबर, 7/2 दिस इज द रैशनल नंबर, 5/3 दिस इज द रैशनल नंबर। एंड इसमें इसका कौन सा डिवाइड हो रहा है, कौन सा किस नंबर, यानी 7 का डिवाइड अपने 5 में हो रहा है क्या, 2 का डिवाइड 7 में हो रहा है नहीं, तो अपना उसके लिए अपन लेंगे फ्रैक्शन। तो अपन ले सकते हैं कि लेट या सपोज फ्रैक्शन यानी अपना लिए अपन ने एक्स और वाई, फ्रैक्शन के लिए अपन ने एक्स और वाई, एंड दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई एंड दिस इज द न्यूमरेटर। ये हो गया अपने वाला न्यूमरेटर और ये हो गया अपने वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, एंड न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर के लिए अपन ने वाई एंड दिस इज द अपना फ्रैक्शन। अभी अपने को क्या बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, अभी डिनोमिनेटर कौन है, इसमें डिनोमिनेटर कौन है अपना वाई, एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज माने इज इक्वल टू इज फोर मोर देन यानी क्या बोला आपने, प्लस, मोर देन बोले तो प्लस, लेस देन बोले तो माइनस। तो मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर से ट्वाइस है। अभी न्यूमरेटर कौन है यहाँ पे, न्यूमरेटर अपने पास कौन है एक्स, इसका क्या है ट्वाइस, यानी अपन लिख सकते हैं 2x। अपन क्या लिख सकते हैं इधर 2x, यानी y इज इक्वल टू क्या मिला अपने को 4 + 2x, सपोज दिस इज द नंबर 1, ये अपन लेंगे इसको 1 नंबर लेंगे। ठीक है, अभी बाद में सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। यानी कंडीशन दी है अपने को, सेकंड कंडीशन क्या हो रही है, सेकंड कंडीशन बोल रही है कि डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, यानी डिनोमिनेटर ये 12 न्यूमरेटर से 12 टाइम्स बड़ा है, बट वे इफ बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस यानी रिड्यूस क्या होता है कम, रिड्यूस यानी कम करना। अभी कम करना यानी क्या होगा, यानी लेस की मोर, लेस हो गया, लेस यानी क्या होगा प्लस की माइनस, माइनस यानी डिनोमिनेटर 12 टाइम्स बड़ा रहेगा कहां से, किससे, न्यूमरेटर से, बट के व्हेन जब इस दोनों को, इस दोनों से अपन क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे यानी 6 को रिड्यूस करेंगे। यानी अपन लिख सकते हैं कि डिनोमिनेटर क्या है अपने पास y, इसको किससे माइनस करेंगे 6 से, तो y माइनस 6 हो गया इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बट व्हेन रिड्यूस बाय 6 एंड x माइनस 6। ठीक है, ये हो गया अपना वाला इक्वेशन कि y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बट व्हेन द रिड्यूस बाय बोथ ऑफ 6 एंड दोनों से अपने को 6 को रिड्यूस करना है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन। तो अपन सपोज अपन इसको सॉल्व करेंगे, अभी तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, ये y, बट y की वैल्यू अपने को पता है, y इज इक्वल टू कितना है अपने पास 4 + 2x, यानी y की जगह अपन लिख सकते हैं 4 + 2x, ये y है, ये अपन इधर लिखेंगे 4 + 2x, ये क्या आ गया माइनस 6 इज इक्वल टू, ये कितना 12 और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12x - 72। ठीक है, तभी सेम ये कितना हो गया 4 - 6 होता है -2 + 2x और ये कितना हो गया 12x - 72। ठीक, तभी वेरिएबल पास लेके जाएंगे और नंबर को पास लेके जाएंगे, तो ये प्लस इधर आने के बाद माइनस, ये माइनस इधर आने के बाद क्या होगा प्लस, यानी 2x - 12x और ये -72 माइनस इधर आने के बाद प्लस, ये हो गया अपने वाला 2x - 12x कितना होगा, फिर ये 2x - 12x कितना होगा, ये -10x और ये -72 + 2 कितना हो गया -70। ठीक है, तो -10x = -70, तो माइनस मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -70/-10, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी x की वैल्यू कितनी मिली अपने को 7 मिल गई। अब x की वैल्यू 7 मिल गई, अपने को y चाहिए, तो अपने पास इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स तो इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू 4 + 2x
is equal to 4 plus 2 into x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये कितना हो गया 4 plus, पहले मल्टीप्लाई करना है अपने को, ये 14, यानी 14 plus 4 कितना हो गया 18, यानी y कितना मिला अपने को 18, यानी अपना वाला नंबर्स जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को नहीं अपने पास x और y क्योंकि अपने को क्या फाइंड किया करना है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन अपन ने लिया x और y एंड x अपॉन y, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 और y की वैल्यू कितनी है 18, देयरफॉर फ्रैक्शन x upon y is equal to कितना आ गया 7 upon 18 and x upon y is equal to अपने को मिला 7 upon 18 मिल गया, ठीक है, ये हो गया अपना वाला क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो अपन इस तरह अपन ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर देता हूं, क्या बोले, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर से दो बड़ा, ट्वाइस डबल है और उससे ज्यादा कितना है 4 भी ज्यादा है, इससे न्यूमरेटर से और कौन ज्यादा है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 प्लस 2x और सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर इज बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बट व्हेन द बोथ ऑफ एन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिड्यूस बाय 6 एंड दोनों से अपन को 6 का 6 को रिड्यूस करना है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity 10 ton. यानी अपने एक ट्रक में दो टाइप के बॉक्स अपने को डालना है, उस टाइप के बॉक्स का टाइप क्या है A और B, उसको डालना है और कैपेसिटी क्या है, ट्रक की कैपेसिटी 10 टन. अभी 10 टन मिला है तो आपको ध्यान में रखो one ton होता है 1000 kg. यानी एक टन यानी कितना होता है 1000 kg. यानी टू टन कितना हो जाएगा फिर, टू टन हो जाएगा 2000 kg. इसके हिसाब से 10 टन यानी कितना हो जाएगा, 10 टन यानी हो जाएगा 10000 kg, यानी 1 टन यानी 1000, 10 टन यानी कितना हो जाएगा 10000 kg, यानी उस ट्रक का जो कैपेसिटी है, यानी उस ट्रक में कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 10 टन की कैपेसिटी यानी 10000 kg की कैपेसिटी है और उसको अपने हमने दो टाइप के बॉक्स डालना है. द फर्स्ट कंडीशन अपने को दिए हुए 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, यानी दो टाइप के बॉक्स है ए और बी, और ए के बॉक्स कितने अपने को फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि ए बॉक्स कितने हैं 150 और बी बॉक्स कितने हैं 100, देन द कैपेसिटी इज फुलफिल, यानी उस ट्रक की कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी. यानी जैसे अपन लेंगे, सपोज लेट एक्स बी द वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप ए, यानी ए टाइप के जो बॉक्स है उसका प्रति केजी प्रति वेट कितना है एक्स केजी है, ये अपन लिख देंगे एक केजी, देन वाई केजी विद वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ टाइप बी, यानी बी टाइप का जो बॉक्स है उसका प्रति केजी कितना है वाई केजी है, ठीक है. तो अपन को क्या बोला कि जब अपने को दो टाइप के बॉक्स डालना है तो उसमें बॉक्स एक्स के बॉक्स कितने हैं अपने को 150 बॉक्स है, अभी एक्स का सॉरी टाइप ए के बॉक्स कितने अपने पास 150 है, बट एक बॉक्स का वेट कितना है अपने पास 1 केजी, तो 150 का कितना हो जाएगा 150x, देन वैसे ही एक बॉक्स का वेट कितना है अपने टाइप बी के एक बॉक्स का वेट कितना है y, और अपने पास बॉक्स कितने हैं 100, यानी 100y, ये हो गया 100y, और इसको मिला के कितना मिल जाएगा अपने को 10 टन, यानी 10 टन कितना हो जाएगा 10000, ठीक है. तो इसको मिला के मिलाना है, इसका मतलब इसको क्या करना होगा एडिशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. अपन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे अपन, सपोज इसको अपन 10 निकालेंगे बाहर, 10 बाहर निकालेंगे तो कितना बचा ये 15x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना हो गया 10000, ठीक है. तो इसका 0 और ये 0 कैंसिल, ये बचा कितना 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अभी सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं कि देन बट व्हेन 250 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अभी सेकंड कंडीशन बोल रही है कि अपने पास जो टाइप ए के बॉक्स है वो 260 है, तो अभी जो कैपेसिटी है 10 टन की वो फुलफिल होने के लिए टाइप बी के जो बॉक्स लगेंगे वो 40 लगेंगे,
ठीक है, यानी अभी कैपेसिटी वही चलेंगे अपने पास, बट अभी टाइप ए के बॉक्स अपन बढ़ा रहे हैं, जैसे अपन टाइप ए के बॉक्स बढ़ाते हैं तो टाइप बी के बॉक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अपने को दिया है कि टाइप ए के बॉक्स इतने अपने पास 260 बॉक्स है टाइप ए के, बट टाइप ए के 260 बॉक्स है, बट एक टाइप ए के बॉक्स का वेट कितना है x, तो देखो कितना हो गया 260x, और टाइप बी जब 10 टन जब कैपेसिटी कंप्लीट करना है तो टाइप बी कितना लगेगा अपने को, फिर 40 बॉक्स लगेंगे यानी 40y। तो इसको क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे तो तब कितना कैपेसिटी मिल गई अपने को, 10 टन यानी कितना हो गया 10,000 kg। ठीक है, तो इधर से भी अपन 10 कॉमन निकाल सकते हैं, 10 कॉमन निकाले तो ये कितना बचा, 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 10,000। ये भी इतना जीरो और इधर का जीरो गायब हो गया, तो कितना हो गया 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1,000। ये हो गया अपना वाला इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये अपने को मिल गया इक्वेशन नंबर 2, यानी दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रैमर्स मेथड से और ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि अपने पास चार ऑप्शन है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या बोल रही है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड क्या बोलती है कि आउट ऑफ टू वेरिएबल, आउट ऑफ टू वेरिएबल वन वेरिएबल इज कट, यानी दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को कट करना है। तो कट करने के लिए उसका क्या क्या चाहिए अपने को, कोएफिशिएंट सेम चाहिए और साइन अपोजिट चाहिए। देखो अभी अपन सपोज y कैसे करेंगे, तो y का कोएफिशिएंट कितना है 10 है, और इधर y का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो सेम है क्या, नहीं है। तो अपन इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 10। ठीक है, अभी करने के बाद क्या, 4 10 40 और 4 10 40 हो गया, यानी कोई भी सेम गया हो गया। अभी देखो साइन सेम ही की डिफरेंट है, अपने को डिफरेंट चाहिए, तो देखो इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, यानी साइन सेम है और अपने को क्या चाहिए, चाहिए डिफरेंट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। अभी साइन चेंज करना है तो क्या करेंगे, एडिशन की सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन तो क्या हो गया है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 into कितना, इक्वेशन 1 into 4 एंड इक्वेशन 2 into कितना हो गया 10 हो गया ये। ठीक है, अभी सॉल्व करो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 into 4 कितना हो गया 16x प्लस 10 into 4 कितना हो गया 40y इसी को 1000 into 4 कितना हो गया 4000। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 10, तो ये हो गया 260x प्लस 40y, तो ये हो गया अपना 10,000। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर रहे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया अपना, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये 40y माइनस 40y कैंसिल, 60x माइनस 260x कितना हो जाएंगे, ये माइनस 200x और ये कितना बचा 4000 माइनस 10,000 कितना बचा माइनस 6000। ठीक है, माइनस 2000 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6000 अपॉन माइनस 200, देन x इज इक्वल टू 0 0 और 2 0 कैंसिल, तो कितना माइनस भी कैंसिल, तो कितना बचा सिर्फ 30 kg। यानी टाइप ए का जो बॉक्स, एक बॉक्स है, उस बॉक्स का वेट कितना है 30 kg। अभी अपने को y चाहिए तो अपन कौन सा भी इक्वेशन ले सकते हैं, सपोज इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 क्या है अपने पास, देखो इक्वेशन 1 है अपने पास 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, 15 इंटू एक्स कितना है 30 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000, ये कितना हो गया, ये 30 इंटू 15 ये हो गया 450 प्लस 10y इज इक्वल टू 1000 प्लस इधर आने के बाद माइनस 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450। ठीक है, 10y इज इक्वल टू 1000 माइनस 450 कितना हो गया, ये 1000 माइनस 450 हो गया 550, 10 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 550 अपॉन 10, तो y कितना मिले 55 kg। यानी अपने को मिल गया x इज इक्वल टू 30 kg एंड अपने को 55 kg। ठीक है, एंड टाइप ए का जो एक बॉक्स का वेट कितना है
30 केजी और टाइप बी का एक बॉक्स का वेट कितना है 55 केजी। तो अपने कोच बोला कि फाइंड द वेट ऑफ इस टाइप ऑफ बॉक्स, यानी प्रत्येक बॉक्स का जो टाइप है ए और बी उसका इस बॉक्स का वेट अपने को निकालना था। ये अपन ने निकाल दिया कि टाइप ए का बॉक्स का वेट कितना है 30 केजी और टाइप बी के बॉक्स का वेट कितना है 55 केजी। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी अपने पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 1900, यानी सपोज ए अपना फर्स्ट प्लेस है और बी इज द सेकंड प्लेस। ठीक है, तो विशाल ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू द बी, यानी विशाल को ट्रैवल करना है ए टू बी, देन इनिशियल पोजिशन क्या हो गया ए, फाइनल पोजिशन क्या हो गया बी, यानी इनिशियल को अपन लेंगे सपोज जीरो और फाइनल को अपने पास दिया है डिस्टेंस कितना है 1900 किलोमीटर। तो क्या बोल रहा है कि विशाल ट्रैवल्स सम डिस्टेंस बाय बस, यानी जो अपना ए बी जो डिस्टेंस कवर करना है विशाल को, उसमें से कुछ डिस्टेंस किससे ट्रैवल कर रहा है, बस से ट्रैवल कर रहा है, और कुछ डिस्टेंस कैसे कर रहा है, एरोप्लेन से कर रहा है। देन द बस ट्रैवल विद द एवरेज स्पीड, देन बस ट्रैवल्स विद द एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन एवरेज स्पीड इज एट 700 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। इट टेक 5 hours, देन इसको कितना लगेगा टाइम, कितना लगेगा 5 hours कंप्लीट द जर्नी, यानी इसको ए टू बी को बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम लग रहा है 5 hours का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपने पास डिस्टेंस दिया है, यानी ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो 1900 और 1900 किलोमीटर है, और इसको वह ए टू बी जाने के लिए मिशन दो से यूज कर रहा है, यानी बस से और ट्रैवल, बस से ट्रैवल कर रहा है और एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है। तो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल्स कर रहा है, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहा है, पर अभी कुछ डिस्टेंस अभी कितना पता नहीं है अपने को। तो अपन क्या कर लेंगे, सपोज द विशाल ट्रैवल्स बाय बस सपोज एक्स किलोमीटर, यानी विशाल सपोज लेट विशाल ट्रैवल्ड X किलोमीटर बाय बस, विशाल X किलोमीटर कहाँ से जा रहा है, बस से जा रहा है, एंड विशाल ट्रैवल्स Y किलोमीटर बाय एरोप्लेन, और y डिस्टेंस कहाँ से किससे जा रहा है, एरोप्लेन से जा रहा है, पर अपने पास a टू b डिस्टेंस, यानी a टू b डिस्टेंस जो दिया है उससे वो दो भाग में डिवाइड हो गया है, दो भाग में डिवाइड होकर दिए अपन इसको, यानी x से और y से, सम डिस्टेंस बाय बस और सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। तो कितना हो गया, यानी फर्स्ट इक्वेशन अपन को क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 1900, ये हो जाएगा, क्योंकि अपन ये ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ए पार्ट फर्स्ट पार्ट अपन सपोज लिखेंगे x और सेकंड पार्ट लिखेंगे अपन सपोज y, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ किससे ट्रैवल कर दिया बस ने, और y पार्ट जो भी जो बचा है किलोमीटर वो किससे किया उसने, एरोप्लेन से किया। फर्स्ट इक्वेशन मिला, जब अपन इसको ए बी को मिलाएंगे तो अपने क्या मिल गया, x प्लस y इज इक्वल टू कितना 1900 इज द इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जब वो बस से जा रहा है तो बस की जो स्पीड है, जो बस वो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कैसे कवर कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड दी है उसकी बस की, तो बस की स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, और एरोप्लेन की दिया हुआ है 700 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में बस 60 किलोमीटर कवर कर रही है और एरोप्लेन एक घंटे में 700 किलोमीटर कवर कर रही है, और ये दोनों से मिला के उसको कितना टाइम लग रहा है, वो ए टू बी तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं, 5 hours required, ठीक है, टू कंप्लीट द जर्नी, 5 hours की उसको जरूरत है उसको ए टू बी तक जाने के लिए, ठीक है, यानी वो टाइम दिया है। तो अपन इसको अपन कैसे करेंगे, अभी टाइम दिया है तो अपन क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे टाइम का, टाइम का फार्मूला क्या होता है, फिर टाइम का फार्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
टाइम है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी टाइम दो के लिए टाइम लग रहा है, दो पार्ट में टाइम डिवाइड होने वाला है, एक बस के लिए टाइम लगेगा कुछ और एक एरोप्लेन के लिए लगेगा। पर ए टू बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है उसको 5 आवर लग रहे हैं, यानी दोनों को टाइम मिला के कितना हो जाएगा 5 आवर। तो अपन इसको बस का टाइम निकालेंगे अलग और बाद में उसका एरोप्लेन का टाइम निकालेंगे अलग। तो अभी बस का टाइम निकालेंगे तो सपोज T1, ठीक है, ये T1 हो गया, क्यों आप ऐसे लिख सकते हैं इधर फॉर बस टाइम इज इक्वल टू कितना हो गया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस से कितना डिस्टेंस हो गया है वो 60 कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो x डिस्टेंस कवर कर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी टाइम इज इक्वल टू क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बस से x किलोमीटर और उसकी स्पीड कितनी है अपने पास 60। देन फॉर कितना फॉर एरोप्लेन, फॉर एरोप्लेन के लिए टाइम क्या हो जाएगा, फिर टाइम इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है अपने पास y और उसकी स्पीड कितनी है अपने पास 700। ये हो गया, इसको दोनों को भी मिलाएंगे तो ये दोनों को जब मिलाएंगे तब कितना टाइम मिल जाएगा अपना, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया 5 आवर, ठीक है। तो अपन इसको सपोज मिलाएंगे तो अभी मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, ये मिलाने के बाद हो जाएगा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू कितना टोटल टाइम मिलेगा अपने को 5। ये हो गया 5, ठीक है। अपन इसको सॉल्व करेंगे, दे इसको सपोज क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 700x प्लस 60y कंप्लीट अपॉन, ये कितना हो गया 7 × 6 कितना 42, बचे कितने 3 हो गए ये, इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अबे ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 × 42000। ये हो गया 7, ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं 10 को सपोज कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने का कितना बचा है 70x प्लस 6y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई करो 5 × 0 0 5 × 0 0 5 × 0 0 5 × 2 10 हो गया, 10 यानी 0 हो गया, बचा कितना 1, 4 × 5 कितना हो गया 20 और 1 21 हो गया ये, ठीक है। तो सेम अभी इसका एक जीरो और इसका एक जीरो कैंसिल, देखिए कितना हो गया 70x प्लस 6y इज इक्वल टू 21000, ठीक है। ये हो गया अपना सेकंड इक्वेशन, इसको अपन कहेंगे दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। तो अपने को दो इक्वेशन मिल गए, अभी इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या हो गया, आउट ऑफ टू वेरिएबल जो दो वेरिएबल है उसका कौन सा वेरिएबल अपन को कैंसिल करना है, सबको अपन कैंसिल करेंगे y, कैंसिल करना है कैंसिल करने के लिए उसका कोएफिशिएंट क्या चाहिए अपने को सेम चाहिए और साइन क्या चाहिए अपने को अपोजिट। तो देखो कोएफिशिएंट कितना कितना है 6 है, इसका कितना है 1 है, यानी इसको अपन क्या करेंगे इंटरचेंज मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1 से। देन साइन चेक कर दो, ये प्लस है और ये भी प्लस है, यानी साइन अपने को अपोजिट चाहिए, ये पूरा इधर सेम है। तो अब करेंगे अपन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इंटू कितना है अपने पास इक्वेशन 1 इंटू 6 एंड इक्वेशन 2 इंटू 1 क्या करें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना हो गया 6x प्लस 6y कितना हो गया 6 × 0 0 6 × 0 0 6 × 9 54 4 5 6 × 1 6 और ये 5 कितना 11 हो गया। देन अभी 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं होगा, 70x प्लस 6y = 21000, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो अभी इक्वेशन चेंज हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन चेंज होगा सेकंड इक्वेशन, तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, 6y क्या हो गया कैंसिल हो गया। अभी 6y कैंसिल हो गया तो ये कितना बचा -64x और ये कितना बचा करो 0 0, देन अभी 10 से 4 गया कितना बचा ये 6, ये कितना हो गया फिर ये 20 हो गया, 21 20 से 11 गया कितना बचा 9, यानी -9600 मल्टीप्लाई जाने का डिवाइड देखिए कितना हो गया -9600 अपॉन -64, then x = 8 से सॉल्व करो तो कितना बचता है 150, ठीक है 150 किलोमीटर, यानी बस
से अपन जो डिस्टेंस ट्रैवल्स कर रहा है, विशाल जो बस से ट्रैवल्स कर रहा है तो कितना किलोमीटर कवर कर रहा है, 150 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो अपने को भी फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल बाय बस, यानी बस विशाल बस से जो ट्रैवल कर रहा है उसका कितना डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया अपना वाला एक्सरसाइज नंबर 1।